ट्रेन सिर्फ ट्रेन नहीं बल्कि चलता फिरता 5-स्टार होटल होगी। ये ट्रेन सपनों के महल की तरह होगी। जी हाँ, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की खासियत सिर्फ इसकी स्पीड ही नहीं है बल्कि इसमें और भी तमाम ऐसी सुविधाएं दी जा रही हैं जो काफी स्पेशल हैं। आपको बारी बारी से बताएंगे कि आखिर ऐसा इस ट्रेन में क्या है जो कि अभी तक हिंदुस्तान की किसी ट्रेन में नहीं है। दरअसल बुलेट ट्रेन में बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि स्तनपान कराने के लिए अलग जगह मुहैया कराई जाएगी। यही नहीं, बीमार लोगों के लिए इस हाई स्पीड ट्रेन में अलग से सुविधा दी जाएगी। मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलने वाली इस हाई स्पीड ट्रेन में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग शौचालय बनाए जाएंगे। भारतीय रेलवे में ये सुविधाएं यात्रियों को पहली बार दी जाएंगी। सभी ट्रेनों में 55 सीटें बिजनेस क्लास और 695 सीटें स्टैंडर्ड क्लास के लिए आरक्षित होंगी। ट्रेन में यात्रियों को सामान रखने के लिए भी जगह दी जाएगी। बुलेट ट्रेन में बेबी चेंजिंग रूम की भी सुविधा दी जाएगी जिसमें बेबी टॉयलेट सीट, डायपर डिस्पोजल और बच्चों के हाथ धोने के लिए कम ऊंचाई के सिंक लगे होंगे। व्हीलचेयर वाले यात्रियों के लिए ज्यादा जगह वाले टॉयलेट की सुविधा दी जाएगी। 750 सीटों वाले E5 शिंकनसेन एक नए जमाने की हाई स्पीड ट्रेन है। इसमें वॉल माउंटेड टाइप यूरिनल की सुविधा दी जाएगी। यही नहीं, डिब्बों में बढ़िया आरामदायक घूमने वाली सीटें भी होंगी। पीएम मोदी के सपने की बुलेट ट्रेन में फ्रीजर, हॉटकेस, पानी उबालने की सुविधा, चाय और कॉफी बनाने की मशीन और बिजनेस क्लास में हैंड टॉवल वार्मर की सुविधा दी जाएगी। डिब्बों में LCD स्क्रीन लगी होगी जहां मौजूदा स्टेशन, आने वाले स्टेशन, अगले स्टेशन पहुंचने और अंतिम स्टेशन पर पहुंचने के समय के बारे में जानकारी आती रहेगी। मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर का अधिकतर हिस्सा एलिवेटेड होगा जिसमें ठाणे से विरार तक 21 किलोमीटर अंडरग्राउंड कॉरिडोर होगा। इसमें भी 7 किलोमीटर का कॉरिडोर समुद्र के अंदर बनाया जाएगा। बुलेट ट्रेन के डिजाइन को लंबी नाक के आकार का रखा गया है, इसकी भी एक खास वजह है। दरअसल जब एक बुलेट ट्रेन सुरंग से बाहर निकलती है तो सूक्ष्म दबाव तरंगों की वजह से काफी तेज ध्वनि पैदा होती है। सूक्ष्म दबाव को कम करने के लिए सामने की कार को नाक के आकार का बनाया जाता है। बुलेट ट्रेन से मुंबई और अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर की यात्रा करने में मात्र 2 घंटे 7 मिनट का समय लगेगा।